हम भारत की आजादी के 76वें वर्षगांठ हर्षोल्लास के साथ मना रहे हैं, परंतु हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि आजादी के मतवाले लाखों देशभक्तों की शहादत के बदौलत हमें यह आजादी स्वतंत्रता सेनानियों के की गौरव गाथा हमारे लिए प्रेरणा के स्रोत है। राष्ट्र पर्व की इस पावन बेला में मैं राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, बाबा साहब अंबेडकर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, शहीद भगत सिंह, सरदार पटेल सहित उन तमाम देशभक्तों के प्रति अपनी सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं, जिनके कठिन त्याग और बलिदान ने हमें आजादी दिलाई है। स्वतंत्रता दिवस के इस पावन अवसर पर मैं झारखंड के वीर सपूतों धरती आबा बिरसा मुंडा, वीर शहीद सिद्धू कान्हू, बाबा तिलका मांझी, चांद भैरव, बहन फूलो जानो, वीर बुद्धू भगत, जतरा टाना भगत, नीलांबर पीताम्बर, पांडे गणपत राय, टिकेत उमराव सहित विश्वनाथ सहदेव को भी नमन करता हूं, जिनके संघर्ष की गौरव गाथा आज भी हमें साहस और संबल प्रदान करती है। इस स्वतंत्रता दिवस आजादी का जश्न मनाए वाइल्ड वादी वाटर पार्क में, जहां 1 से 30 अगस्त तक पाए अम्यूजमेंट पार्क, बर्ड पार्क, जिप लाइन, हर्डल स्विमिंग, वाटर पार्क, 360 साइकिल, स्पिनर, ट्रैम्पोलिन, बंजी जैसे कई बेहतरीन ऑफर मात्र 100 रुपए में। वाइल्ड वादी वाटर पार्क रांची, कॉल 9304816880। देश की सुरक्षा में लगे सेना के और पुलिस के वीर जवानों को भी मैं स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं देता हूं और राष्ट्र के प्रति उनके समर्पण और बलिदान को सलाम करता हूं। मैं नमन करता हूं बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को, जिन्होंने आदिवासी, दलित, पिछड़ों को उनके हक दिलाने के लिए अथक प्रयास किया और सदियों से शोषित इस वर्ग को संवैधानिक सुरक्षा कवच दिया। बाबा साहब के महान और दूरदर्शी सोच का ही प्रतिफल है कि पिछले 75 वर्षों में देश के आदिवासी, दलित एवं पिछड़े वर्ग सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक रूप से काफी सशक्त हुए हैं। झारखंड के प्रत्येक वर्ग और समुदाय के अपार स्नेह आशीर्वाद से लगभग 3.5 वर्ष पूर्व मुझे राज्य का बागडोर संभालने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। सरकार गठन के बाद हमने झारखंड में व्याप्त गरीबी, बेरोजगारी, पलायन जैसे समस्याओं का समाधान करने के लिए गंभीर प्रयास शुरू किए। हमने संकल्प लिया है कि राज्य की जनता के सहयोग से एक सशक्त झारखंड का निर्माण करेंगे। जन भावना और जन भागीदारी के साथ हमारी सरकार एक ऐसी व्यवस्था को आकार देने के लिए प्रयासरत है, जहां गरीब, वंचित, मजदूर, किसान, आदिवासी, पिछड़ा, दलित सबको उनका अधिकार मिल सके। कमजोर से कमजोर व्यक्ति को की आवाज भी सत्ता के उच्चतम स्तर तक पहुंचे तथा शासन प्रशासन पूरी संवेदनशीलता के साथ जनता के परेशानियों का समाधान करे। मेरे विचार में एमिटी यूनिवर्सिटी का पटना और रांची कैंपस पिछले कई सालों से लगातार शिक्षा के क्षेत्र में अनमैच्ड एक्सीलेंस प्रदान कर रही है। यूनिवर्सिटी रिसर्च एंड इनोवेशन के कल्चर को बढ़ावा देती है। यही कारण है कि यहाँ के शिक्षकों और छात्रों ने मिलकर अब तक 700 से ज्यादा रिसर्च पेपर और 30 से ज्यादा पेटेंट फाइल किए हैं। यही नहीं, यहाँ के फैकल्टीज और स्टूडेंट ने 50 से अधिक किताबें पब्लिश की हैं। यूनिवर्सिटी के दोनों ही कैंपस में स्टूडेंट को कॉर्पोरेट प्लेसमेंट प्रोसेस को क्रैक करने के लिए ट्रेनिंग दी जाती है और इसलिए एमिटी यूनिवर्सिटी अपने स्थापना से ही देश विदेश के कई जानी मानी मल्टीनेशनल कंपनीज जैसे अमेज़न, एक्सेंचर, जेपी मॉर्गन, जेपीटी, टीसीएस, विप्रो, आईटीसी, फेडरल बैंक, हिंदुस्तान यूनिलीवर जैसे 180 रेप्यूटेड कंपनीज के लिए रिक्रूटमेंट की प्रेफर्ड चॉइस बन गई है। यही वजह है कि आयुष कुमार को जेपीटी कंपनी लिमिटेड में 24 लाख, जान निसार अख्तर को अमेजोन से 30 लाख और देव नरूला को ह्यूमन होल्डिंग कंपनी लिमिटेड में 44.5 लाख का पैकेज मिला। वहीं सुमन गुप्ता को पैलो ऑल्टो में मिले 47 लाख के हाईएस्ट पैकेज से यूनिवर्सिटी ने बिहार और झारखंड में एक नया रिकॉर्ड कायम किया है। एशफेल रस, ये एक ही बॉटल में है। स्ट्रेस, वीकनेस, एसिडिटी, एबिसिटी, हेयर फॉल, स्किन की हर परेशानियों का एक ही हल। एशफेल लाइफ, डायबिटीज फ्री लाइफ।
आईआईटी जी नीट एस्पिरेंट्स के सपने को पंख देने आ गया है कंप्लीट सॉल्यूशन इंस्टीट्यूट। यहाँ है स्मार्ट क्लासरूम, 1-to-1 डाउट क्लियरिंग सेशन, आस्क द एक्सपर्ट, वीडियो सॉल्यूशन और भी बहुत कुछ। मतलब हम करेंगे आपको गाइड, बनेंगे आपके मेंटोर। फाउंडेशन क्लासेस फ्रॉम क्लास 6 ऑनवर्ड्स। फॉर योर ब्राइट फ्यूचर विजिट कंप्लीट सॉल्यूशन इंस्टीट्यूट।